आजकल भीषण गर्मी से आम इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी से क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, इन सब को लेकर तमाम जीव जंतु भी इस भीषण गर्मी से परेशान हो गए हैं। गर्मी इतनी है कि लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पंखे और कूलर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वही विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आम इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। आपको बताते चले कि प्रयागराज के पोता हनिया और बुदावा के ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ रमजान का महीना, ऊपर से 22 दिन से जला हुआ ट्रांसफार्मर, नए ट्रांसफार्मर का इंतजार करते करते ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। उसके बाद ग्रामीणों ने जेई पर पैसे लेकर ट्रांसफार्मर बदले जाने का आरोप लगाते हुए जसरा पावर हाउस पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ट्रांसफार्मर जल जाता है और फिर उसके बाद हम लोग हर हमेशा चंदा देते देते बच्चे पाला कि चंदा बार बार दें। और सही, कौन चंदा लेता है? मोहल्ले वाले चंदा लगा लगा के ट्रांसफार्मर ले जाते हैं। अब 15 दिन से जल जाता है। इतने दिन से जला है ट्रांसफार्मर? आज 22 दिन हो गए हम लोग तड़प रहे हैं रोजा में, एक बूंद पानी बिना। बच्चे परेशान, बच्चे रात भर सोते नहीं। मोहल्ले वाले पैसा लगा के ट्रांसफार्मर के लिए इंतजाम करते हैं, ये कौन सी ऐसी तरीका है? रमजान के टाइम हर मुसलमान भाई तड़प रहा है पागल की तरह, पावर हाउस में आता है, यहाँ कोई हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही है। ये क्या तरीका है? ऐसे होगा हम लोगों के साथ? हम लोग तो सबके साथ देते हैं, आप लोग भी साथ दीजिएगा हम लोगों को। बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी में हम लोग फंसे हैं। आज यहाँ 22 दिन, कितने दिन से ट्रांसफार्मर आपका जला है? 22 दिन हो गया और ना घर में लाइट है ना बत्ती, अंधेरे में रहता इंसान, ठंडा पानी पीने के तो इंसान तरस रहा है, चिराग भी नहीं जला पाता। कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी है। दो दो ढाई ढाई किलोमीटर से पानी आता है, हम लोग एकदम परेशान है। बड़े बड़े अधिकारी के पास पूछ जाता है, कोई नहीं सुनता। क्या हम लोग कौन सी ऐसी खता किए हैं? जेई के पास फोन कर तो जेई लोग उपस्थित नहीं रहते। जेई लोग से पास फोन करता तो लोग कहते हैं कि ओ भैया मारो हमको, क्या परेशान, क्यों परेशान करते हम लोग, इतना तड़प रहे हैं, लोग कहते हैं परेशान करते हैं। जो है सब लोगों को 130 करोड़ के जनता को आश्वासन दिया कि सबके साथ रहेंगे, सबके साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज 22 दिन से पूरा एक महीना होने जा रहा है, हम लोग रोजा पीरियड में एकदम तड़प गए हैं। अब बताइए योगी सरकार, मोदी सरकार हम लोगों के साथ क्या न्याय दे रही है? हमको तो महसूस हो रहा है कि अंदरूनी कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और दिखाया जा रहा है। पुतनैया ग्राम सभा में आज लगभग 22 दिन से ट्रांसफार्मर जल चुका है, लेकिन न शासन के कान में कोई भनक जा रही, न प्रशासन के कान में कोई भनक जा रही, जैसे यहाँ के जनता कोई, यहाँ के लोग नागरिक नहीं हैं, अलग से बैठाए गए हैं। अब बताइए बिजली विभाग कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आप लोग चंदा करिए, क्यों, ये कहाँ का नियम है कि जो चंदा किया जाए? अधिकारियों से आपने संपर्क किया? अधिकारियों से संपर्क किया, कंज्यूमर से बात किया, कंज्यूमर वाले कहते हैं जेई से बात करिए, जेई से बात करते तो फ़ोन नहीं उठा पाते। अब बताइए हम लोगों की कौन सी गलती है कि हम लोग जो है रोजा के पीरियड में पीड़ित हैं, जबकि रोजा में बरकत का दिन है, रोजा के महीने में आदमी को और सहूलियत मिलनी चाहिए। हम बार बार लोगों से कहा जाता है, बिजली विभाग से कहा जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो सुन लीजिए, यहाँ जब जो जो ट्रांसफार्मर आता है लोगों के चंदा से आता है, लोगों के चंदा से आता है, एक भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।